हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन है गुरुवार और सुबह के जो हैं 7 बज रहे हैं, और ये मैं तैयारी कर रही हूँ संकटा। आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है, पर हमारी तरफ इसे संकटा देवी का पूजा बोला जाता है। तो उसी पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं बुधवार को ही गई थी इसमें, मतलब बुधवार को इनवाइट कराई थी सभी लेडीज़ को इसमें। जैसे कि 7 लेडीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो 4 लोग तो हम, जो मेरी सिस्टर थी, हम 4 लोग तो खुद ही थे, और 3 लोग हमने बाहर से बुला लिया था। और ये देखिए अभी तैयारी चल रही है, जो उसमें जितनी भी चीज़ें लगती हैं ना, सामान वगैरह, वो सब जो हम सबके उसमें खोइछा में डालते हैं, वो मैंने पैक करके रख दिया है। और अभी सभी लोग आ गए हैं। तो आंटी लोग थी तो वो लोग बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करना है। तो सबसे पहले मैंने लड्डू लिया था 1.25 किलो, और पेठा लिया था, गुड़ लिया था, चना लिया था। उसको मैंने बराबर 7 मात्रा में बांट के इस प्लास्टिक में पैक करके एक कपड़ा बिछा के उस पर रख दिया था। और यही से इसी से सबका खोइचा भरा जाएगा। और 1 कलश 2 कलश इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि क्षमा जो है वो भी कर रही थी, उसका भी कुछ मन्नत था, वो पूरा हो गया था, और मेरा भी मन्नत पूरा हो गया था। तो हम दोनों साथ ही में कर रहे थे। तो बड़ा वाला कलश मेरा है, छोटा वाला कलश क्षमा का है। तो हम अभी कलश की पूजा कर रहे हैं, और उनको जल, फूल, अक्षत, दूर्वा ये सब चढ़ाने के बाद हमने दिया को जो है प्रज्वलित कर दिया था। और अभी सभी लोग वही काम करेंगे, जो ये हमने मिट्टी का जो ढेला रखा है ना, ये मिट्टी का जो बड़ा बड़ा ढेला है, इसी की पूजा होती है। मेन पूजा तो इसी की होती है, संकटा माता की। तो अभी हम सभी को, सभी ढेलों को, 7 ढेले हमने रखे थे, और मैंने जोड़े से रखा था, तो मैंने 14 ढेले रखा था, और क्षमा 7 रखी थी। तो अभी हम जल से सींचेंगे, फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, और सॉरी फ्रेंड्स, पहले गौरा माता का हमने पूजा किया था, फिर इनका पूजा किया था। तो सभी को मैंने जल से सींचा था, फिर सभी को हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत, फूल सब चढ़ाए थे। पहले हम और क्षमा ने चढ़ा दिया था, फिर बाकी जो लेडीज़ आई थी उन सभी ने चढ़ाया था। हमने जो मतलब ये मन्नत मानता है वही शुरुआत करता है, और बाद में बाकी लेडीज़ वैसे वैसे करती हैं जैसे हम किए रहते हैं। और फिर इसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं संकटा माता की। और संकटा माता ने जैसे मेरी मन्नत को पूरा किया और मेरी सिस्टर की मन्नत को, वैसे सभी की मन्नत को पूरा करें। तो ये देखिए बीच में लड्डू गोपाल बैठे हैं, यानी कि मेरे भाई, उनका भी हमने पूजा कर दिया, और सभी लेडीज़ ने भी कर दिया। और उधर धार बना के रखा है, जब कहानी ख़त्म हो जाएगी ना तो ये धार से हम धार देंगे, धार से। तो अभी हम एक दूसरे को बिंदी बिंदी लगा रहे हैं, सुहागन का सामान ही देना रहता है, तो बिंदी सिंदूर एक दूसरे को लगाएंगे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने प्रसाद तैयार किया था ना, वो सबके खोइछा मैं पहले अपने में रख लूँगी, फिर सिस्टर में रखूँगी, और बारी बारी सबके में रखती जाऊँगी। अच्छा, माँ भी वैसे करेगी, पहले अपने में रखेगी, फिर बारी बारी सब में रखेगी, फिर मेरे में रखेगी। तो उसके बाद ही पूजा शुरू होती है। और ये पूजा मैंने पहली बार की थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा और कहानी सुन के। इसमें ब्लास्ट में सोहर भी गाया जाता है। अब ये देखिए, ये अक्षत और जल लेकर हम कहानी सुनेंगे। अब हिलल करें अपन को के कोई जब डारे लगे तो मैं सोना चांदी और जेवर सब ले गए। अब तो वो कचरा को गड्ढू ले गए, भर गए, बड़े खुश में कहानियां भाई से कर। अब तू अब ले जा रहा हूं बच्चे, कहीं हाय ना कुछ लोग कैसे भाई बनना, कहीं कैसे कैसे भाई ने बना रहा, कहीं ऐसे ऐसे कर दी ले जा कर भाई दे रही थी मैंने कुछ दिए को कृपा है कहीं का देख कर जाना। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 5 कहानी पूरी हो गई है, और 4 सोहर गवाएगा, तो आंटी लोग ही सोहर गाएंगी। हम लोग को सोहर नहीं आता फ्रेंड्स, पर पीछे से थोड़ा हम लोग भी गा दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा ये पूजा करके मुझे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लगा ये पूजा करके। तो
तो इसके बाद जो है हवन होगा, और जो हमने लड्डू चना और पेठा गुड़ का प्रसाद बनाया था ना, उसी से हवन होगा। पहले मैं करूँगी, फिर क्षमा करेगी, फिर बारी बारी सब लोग करते रहेंगे। उसके बाद हमने आरती कर ली। तो आरती हो जाने के बाद ये जो हमने प्रसाद रखा था ना, उसमें से हम किसी को नहीं देंगे, पर जितनी बाकी लेडीज़ थी ना, मतलब 5 लेडीज़ थी, वो अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा करके हमें देंगी। और ये जो हमारे हम आंचल में ले रहे हैं प्रसाद, वो सिर्फ हमारे फैमिली वाले ही खाएंगे, बाकी कोई नहीं खाएगा। उसके बाद फिर हम मतलब पानी वगैरह नाश्ता कर लेंगे यहीं आसन पर बैठे बैठे। इसका नियम है इस पूजा का कि यहाँ बैठे बैठे ही हमें पानी और चाय पीना रहता है, क्योंकि ये जो पूजा है ना, ये जो लेडीज़ लोग आती हैं वो कुछ नहीं खाई रहती हैं, बिल्कुल निर्जला आती हैं। तो इसका ये नियम है कि यहीं पर आके जो है वो पानी चाय नाश्ता जो भी होगा वो यहीं पे आसन पे बैठ के ही करेंगी। तो पूजा हमारी समाप्त हुई और बहुत ही अच्छा लगा। हमें बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग किस तरह से करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग का क्या रूल है, आपकी तरफ किस नाम से माता रानी को जाना जाता है। और मैंने तो अपनी पूरी विधि आप लोग के साथ शेयर कर दी है कि हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। और मैं मायके में इसलिए आई थी की थी क्योंकि मम्मी का मन्नत था, हमारा तबीयत ख़राब था, तो मम्मी ने मन्नत मांगा था, तो वो मन्नत मैंने पूरा कर दिया। और बाकी के भी मैं धीरे धीरे करूँगी और ब्लॉग आप तक पहुँचाती रहूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू वेद नीता। कैसे हो आप? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। वो देखिए वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है सब, देखिए वो देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आके आप लोग से बात कर रही हूँ। तो अभी मैंने दिखाया कि हम लोग आज जो है संकटा का पूजा कर रहे थे, और ये मन्नत था, जैसे कि जब हम बीमार हुए थे ना तो मम्मी मानी थी कि जब हम जोड़े से सही हो जाएंगे, जैसे मैं भी तब मेरा भी तबीयत ख़राब था और हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब था, तो वही मम्मी मानी थी कि मतलब संकटा खिलाएंगे, तो वही मैं मन्नत पूरा कर रही थी, संकटा खिला रही थी। और सुबह से ही हम 4 बजे उठे थे और काम में लग गए थे। मैं इसलिए सुबह का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने थोड़ा ही मतलब वो पूजा में जब बैठी थी वो तैयारी कर रही थी तब से रिकॉर्डिंग शुरू की थी। और अभी खाना बन रहा है, खाना अभी बना नहीं है, दीदी आई है वो बना रही है, और मैं अभी जो चाय पानी पी ली हूँ, और अभी मैं भी देखती हूँ कि मुझे क्या काम करना है। और ये देखिए बारिश हो रहा है, और ये देखिए क्षमा बिंदी लगाई है, ये मैंने बिंदी लगाया था पर उसने यहाँ पे लगा दिया, ये बिंदी क्षमा लगाई है। तो आप बताइएगा कि हमारे यहाँ का संकटा पूजा आपको कैसा लगा और आपके यहाँ कैसे होता है पूजा। ये देखिए पसीने से पूरा, आप बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा कैसे होती है, और हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है। मैंने फर्स्ट टाइम किया है संकटा माता का पूजा, अभी मैं एक बार भी नहीं की थी। इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, इतने सारे बच्चे आए हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग शोर कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ उतनी साफ लग रहा है कि नहीं जा रही आप लोग के पास, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेरा गला भी बैठ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, चिल्लाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से गला भी बैठ गया है, तो आवाज़ भारी हो गया है। अभी धीरे धीरे सही हो जाएगा, दवा खा रही हूँ, धीरे धीरे सही हो जाएगा, पर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे सब लोग खाना बना रहा है और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ, ये देखिए। तो अभी आप लोग से बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। ये देखिए अभी धूप हो गया और ये देखिए नीचे पानी पूरा गिरा हुआ, ये देखिए पूरा पानी पानी हुआ है, थोड़ी देर में धूप हो जा रहा है, थोड़ी देर में पानी हो मतलब बरसने लग रहा है, मौसम तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए मैंने रुद्राभिषेक वाली ही साड़ी पहनी है, ये देखिए, क्योंकि मैं साड़ी लाई थी लेकिन इसमें दीदी लोग बोल रही थी ना कि जो आंटी लोग आई थी कि इसमें पीले कलर की साड़ी आई थी कि इसमें पीले कलर की साड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि वो लोग कुछ भी पहन के आएंगी, कलर का वो मैटर नहीं करता है,
लेकिन जिसने मतलब संकल्प लिया है, जैसे कि मैं संकटा खिला रही हूँ, तो मुझे येलो कलर की साड़ी पहननी चाहिए। और ये देखिए कितना पसीना हो रहा है, देखिए पूरे फेस पे कितना पसीना हो गया है। तो मुझे येलो कलर की ही साड़ी पहननी थी, इसलिए मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन ली। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। अब फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कैमरे को मैनेज करना, फिर किस तरह से रखना है, सबसे परमिशन लेना कि हाँ आप कैमरे के आगे आना चाहती हो या नहीं चाहते हो, तो उस हिसाब से फिर कैमरे को क्या कहते हैं सेट करना। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि जो न्यू यूट्यूबर होंगे उन्हें तो पता होगा कि मतलब कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ऐसे जो काम एक घंटे में हो जाएगा, वीडियो बनाते वक्त वो काम अगर करती हूँ तो वो काम दुगना टाइम लगता है। जैसे एक से दो घंटे लगते हैं, कैमरा सेट करो फिर काम करो फिर कैमरा सेट करो। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी मेहनत को देखते हुए आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना है फ्रेंड, पर आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये देखिए, आज जो है बृहस्पतिवार है, तो सिंदूर नहीं लगाते हैं बृहस्पतिवार को, लेकिन संकटा माता की पूजा में पीला सिंदूर ही लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने पीला सिंदूर लगा लिया है। और अब मैं बातें आपसे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अभी मैं रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, और देखती हूँ आगे वीडियो में कुछ दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। दिखा पाऊँगी तो दिखा भी दूँगी, और वरना वीडियो यहीं तक का रहेगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।